देखिए, आज हम बात करने वाले हैं मित्रों क्रिया की परिभाषा, भेद और उदाहरण। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इसकी इम्पोर्टेंस महत्व क्यों बढ़ जाती है। चाहे आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, या आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या आप बिहार एसआई के लिए हैं, एमपी एसआई के लिए हैं, यहाँ तक कि अभी आपने देखा होगा पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ, पीसीएस यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो हुआ है 28 अक्टूबर को, उसमें सीसाइड में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए कि बताइए निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए बन जाता है, एक प्रश्न तो आपके एग्ज़ाम में 100% आना ही आना है। तो आइए इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके पहले के जितने भी पार्ट्स अगर आपके छूट चुके हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जितने वीडियोज के लिंक दिए हैं, अगर उतना वीडियो आप वॉच कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम हंसते हंसते क्रैक कर जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। क्रिया क्या होती है? जैसा कि हमें पता है, क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। तो क्रिया का एक अर्थ कार्य करना होता है। क्रिया का एक अर्थ क्या होता है? कार्य करना। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता, इसे भी व्याकरण का एक विकारी शब्द माना जाता है। यानी विकारी शब्द के अंतर्गत ही क्रिया का भी नाम आता है। इसका रूप लिंग वचन के पुरुष के कारण से बदलते रहते हैं। यानी आप जानते ही होंगे विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी जिसमें विकार उत्पन्न हो, किसके आधार पर? लिंग वचन और कारक के कारण जिसमें परिवर्तन उत्पन्न होता है या परिवर्तन लाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द। और जिनमें कोई भी परिवर्तन ही ना लाया जाए, उन्हीं को अविकारी बोलते हैं, या हम एक तरीके से उन्हें अव्यय भी बोल सकते हैं, जिनमें कुछ भी व्यय ही ना हो। अभी हम उन पर बात कर देंगे बहुत अच्छे से। जैसा कि आपको दिख रहा है, क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। क्रिया के रूप की वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, भूतकाल में हो चुका है या भविष्यकाल में होगा। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। जब धातु में ना लगा दिया जाता है तब क्रिया बन जाती है। क्रिया को संज्ञा और विशेषण से भी बनाया जाता है। क्रिया को सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना जाता है। जैसे खाना, नाचना, खेलना, पढ़ना, मारना, पीना, जाना, सोना, लिखना, जागना, रहना, गाना, दौड़ना आदि, ये सभी क्रिया है। क्रिया के उदाहरण कैसे पूछे जाते हैं? उदाहरण के रूप में, यानी सेंटेंस वाक्यों में, जैसे राम खेल रहा है, तो राम खेल रहा है यानी ये खेलना क्या हो गया आपका? क्रिया है। मीना नाच रही है, अली किताब पढ़ रहा है, बाजार में बम फट गया है, बच्चा पलंग से गिर गया है, बाहर बारिश हो रही है, राधा नाच रही है, मुकेश कॉलेज जा रहा है, सरोज खाना खा रही है, भगत सिंह बड़े वीर थे, मीरा बुद्धिमान है, राम खाना खाता है, घोड़ा दौड़ता है, ये सभी क्रिया के उदाहरण हैं। अब देखिए, क्रिया जानने से पहले अगर हम उस पर जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, अगर पढ़ना है जानना है तो हमें धातु के बारे में भी पता होना चाहिए कि धातु क्या होता है। तो धातु के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। यानी मूल मतलब एक तरीके से बेसिक, जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनता है, पुल बनता है, तो उसके बनने के लिए जो नींव भरी जाती है वही क्या कहलाती है? नींव। वही जो कहलाती है, यानी जो क्रिया बनेगी उसकी जो नींव होगी उसी को क्या कहेंगे? उसी को हम धातु कहते हैं। यह क्रिया का ही एक रूप होता है। धातु को क्रिया का मूल रूप कहते हैं। यानी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से क्रिया का ही एक रूप होता है, बताइए। ऑप्शन दे देगा आपको धातु, कई सारे ऑप्शंस दे देगा। तो अगर आपने पढ़ा है कि क्रिया का मूल रूप धातु होता है तो आप सही कर जाएंगे। जैसे बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख, जा, खा, बोल, रो, इन्हीं धातुओं से ही जो है वर्ब बनती है, यानी क्रियाएं। जैसे बोल से बोलना, पढ़ पढ़ना, घूम घूमना, लिख लिखना, गा गाना, हंस हंसाना या हंसना,
देख देखना, जा जाना, खा खाना, बोल बोलना, रो रोना, तो ये सभी वर्ब बन जाती हैं, यानी क्रिया बन जाती है। धातु के भेद देखेंगे तो धातु के मुख्यतया जो है चार भेद होते हैं, मूल धातु, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु और यौगिक धातु। तो पहले जानते हैं मूल धातु क्या होती है। तो मूल धातु किसी पर आश्रित न होकर स्वतंत्र होती है, उसे मूल धातु कहते हैं, जैसे खा, पढ़, लिख, गा, जा, रो आदि, ये बड़ा आसान होता है। सामान्य धातु, धातु में जो न प्रत्यय जोड़कर उसका सरल रूप बनाया जाता है उसे सामान्य धातु कहते हैं, जैसे सोना, रोना, पढ़ना, बैठना, लिखना, बोलना, घूमना, गाना, हंसना, देखना, जाना, खाना, रोना, ये सभी। यानी आपको सामान्य धातु का केवल एक ट्रिक याद करना है कि धातु में जो ना प्रत्यय, यानी अगर धातु में ना प्रत्यय जुड़ गया तो सामान्य धातु हो जाएगा। व्युत्पन्न धातु के बारे में जाने तो सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर या किसी कारण से जो परिवर्तन किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न धातु कहते हैं, जैसे पढ़वाना, कटवाना, दिलवाना, करवाना, सुलवाना, लिखवाना, बुलवाना, खिलवाना, धुलवाना आदि। अब हम जानेंगे यौगिक धातु किसे कहते हैं। तो यौगिक धातु को प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है, जैसे पढ़ना से पढ़ा, लिखना से लिखा, खाना से खल खिलाई जाती आदि, ये सब यौगिक धातुएँ हैं। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है व्याकरणिक दृष्टि से, जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं क्रिया के भेद से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब देखिए कहीं कहीं पर अकर्मक और सकर्मक के भेद से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो रेयर केस में, अगर हम बात करें यूपी टेट, सी टेट के एग्जाम में, तो वहाँ पर वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक कर्मक, द्वि कर्मक में। लेकिन ज़्यादातर जो वनडे एग्जाम की बात करें, एक दिवसीय एग्जाम की बात करें या पीसीएस एग्जाम की बात करें, उसमें एक सेंटेंस दे देता है, वाक्य दे देगा, पूछेगा बताइए इसमें अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है, बस। यानी अगर आप डिफिनीशन सही से पढ़ लेते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का पहचान सीख जाते हैं, तो आपका एक नंबर 100% श्योर है कि आपको मिलना ही मिलना है। तो पहले नंबर वन जानते हैं अकर्मक क्रिया। देखिए नाम से ही सब कुछ, अकर्मक, अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित। ऐसे देखिए अकर्मक यानी कर्म के बिना, अकर्मक कर्म के बिना, यानी अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित। बस इतना वर्ड अगर आपने समझ लिया तो बस आपको पूरा आ जाएगा। यानी जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना, हंसता, चलता, दौड़ता, लजाना, होना, बढ़ना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, उगना, जीना, चमकना, डोलना, मरना, फटना, फादना, जागना, बरसना, उछलना, कूदना आदि। अब ये तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमारी बत्ती गुल हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसका यूज जो है सेंटेंस पे तो करते नहीं हैं, ऐसे देख लेते हैं। ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे दे देगा राम तैरना जानता है, बताइए निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। चिड़िया आकाश में उड़ती है, अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया। अब वहाँ पे दिमाग काम करना बंद कर देता है, डिफिनीशन हम रटने लगते हैं, यानी बिना कर्म के, तो कर्म ही नहीं समझ में आता, तो इसलिए उदाहरण भी जानना जरूरी होता है। जैसे जो चीज़ें हमने देखा बस इन्हीं को हम उदाहरण के रूप में देखेंगे, जैसे वह चढ़ता है, बस इसमें अगर हम कुछ भी चेंजिंग कर दें तो क्या कोई कर्म की बात कर रहा है? कर्म के रहित है, यानी कोई मतलब नहीं है। वे हंसते हैं तो हंसते हैं, बस वे हंसते हैं। नीता खा रही है, पंछी उड़ रहे हैं, ये देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पंछी उड़ रहे हैं, ये तो लेखपाल में भी पूछा गया है, लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट सी टेट की तो बात जाने दीजिए कई बार पूछा गया है, और UPSI में भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन यही मैं बता रहा हूँ, पक्षी उड़ रहे हैं बहुत अच्छे से पूछा गया है, बच्चा रो रहा है, श्याम रोता है, गौरव सोता है, सांप रेंगता है, रेलगाड़ी चलती है, वह लजा रही है, गाड़ी चलती है, मीरा
गाती है। तो आपको हम आशा करते हैं कि अकर्मक क्रिया समझ में आ गई होगी। जैसे ही सकर्मक क्रिया समझेंगे आपको दोनों में कन्फ्यूजिंग होगा वो भी दूर हो जाएगा। सकर्मक क्रिया पहले समझते हैं। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों की वजह से कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसमें कर्म की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे वह चढ़ाई चढ़ता है, अगर केवल डायरेक्ट होता वह चढ़ता है तब तो ये आपका अकर्मक हो जाता है, लेकिन वह चढ़ाई चढ़ता है यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्म दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया। मैं खुशी से हंसता हूँ, अगर खुशी से हटा दूँ मैं हंसता हूँ तो अकर्मक हो जाएगा। मैं खुशी से हंसता हूँ तो सकर्मक। हम आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी जहाँ पे आपको सब्जेक्ट या सब्जेक्ट दिया हो, प्रोनाउन दिया हो या नाउन दिया हो और उसके बाद वर्ब दिया हो वो क्या होगी, अकर्मक, यानी कर्म नहीं दिया है। जहाँ पर उसके साथ उसका विश्लेषण दिया हो कि आखिर ऐसा किस लिए करता है, वह चढ़ता है, आखिर क्यों चढ़ता है, वह कहाँ चढ़ता है, तब वो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे मैं हंसता हूँ, मैं क्यों हंसता हूँ, मैं किस लिए हंसता हूँ, मैं काहे को हंसता हूँ, तो मैं खुशी से हंसता हूँ, तो ये खुशी से आने के कारण ये क्या हो गई, सकर्मक हो गया। अगर ये नहीं होता तो अकर्मक हो जाती। जैसे चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है तो चिड़िया उड़ती है तो क्या हो जाएगा, केवल डायरेक्ट है चिड़िया उड़ती हैं तो ये आपका अकर्मक। लेकिन कह दिया जाए चिड़िया आकाश में उड़ती है या चिड़िया पवन वेग की तरह उड़ती है तब क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। चिड़िया पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों। जैसे देखती है नीता खाना खा रही है, बच्चे जोरों से रो रहे हैं, श्याम चोट से रोता है, श्याम फिल्म देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीपली क्वेश्चन, तो आपको बता दें सकर्मक क्रिया के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अपूर्ण क्रिया। नाम से ही लग रहा है सब कुछ आपको एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण क्रिया। आइए इनके बारे में देखेंगे तो समझ में आएगा चीज़ें बहुत अच्छे से। पूर्ण एक कर्मक क्रिया क्या होती है या पूर्ण एक कर्मक पे बात करते हैं। पूर्ण मतलब जानते हैं संपूर्ण, तो जिस क्रिया के केवल एक कर्म के पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह रोटी खाता है, श्याम टीवी देख रहा है, नौकर झाड़ू लगा रही है, तो इसमें एक ही कर्म दिया है यानी एक कर्म का पूरा पूरा पता चल रहा है। जैसे श्याम टीवी देख रहा है तो यानी श्याम एक काम तो फिक्स है कि कर रहा है, टीवी देख ही रहा है, यानी पूर्ण एक कर्मक क्रिया है। यानी टीवी देख रहा है तो एक साथ तो टीवी देख रहा है, नहा भी नहीं सकता, कई चीज़ें आ भी सकती हैं। कैसे देखिए आगे दिखाता हूँ। जैसे पूर्ण द्विकर्मक, तो द्विकर्मक का अर्थ होता है दो कर्म वाला या दो कर्म सहित। जिस क्रिया के साथ दो कर्मों के पूर्ण होने का पता चलता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें पहला कर्म प्राणीवाचक होता है और दूसरा निर्जीव होता है, उसे द्विकर्मक। जैसे सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया, तो देखिए सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया, अब दो कर्म हो गया, एक तो गुरुजी को मिले और दूसरा प्रणाम। नर्स रोगी को दवा पिलाती है, नर्स रोगी, रोगी मतलब क्या है, ये सजीव है, दवा क्या है, दवा क्या है आपका, निर्जीव है, या पिलाना क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा, इसलिए पूर्ण द्विकर्मक हो गया। श्याम अपने भाई के साथ टीवी देखता है, श्याम अपने भाई के साथ टीवी देख रहा है, यानी दो दो संबंध दिखाएगा। नौकर फिनायल से पोंछा लगा रहा है, तो ये क्या हो गया, द्विकर्मक हो गया। अब देखेंगे अपूर्ण क्रिया, जब क्रिया के होते हुए तथा क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया स्पष्ट अर्थ ना दे वहाँ पर अपूर्ण क्रिया होती है। इनके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पूरक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए दिया है, महात्मा गांधी थे, अब महात्मा गांधी थे, अब ये क्या है, पूर्णतया जो है अकर्मक नहीं है, सकर्मक समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है, संपूर्ण नहीं है, तो इसको कैसे होना चाहिए। जैसे लिख दिया जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, इसमें राष्ट्रपिता लिखने से अस्पष्टता आ गई है, लेकिन अगर
राष्ट्रपिता नहीं लिखेंगे तो अस्पष्ट नहीं आएगी। जैसे तुम हो, तो तुम हो पता नहीं क्या हो, तुम चोर हो सकते हो, तुम बुद्धिमान हो सकते हो, तुम नौकर हो सकते हो, यानी तुम बुद्धिमान हो। तो अब बुद्धिमान वर्ड जुड़ने से ये क्या हो गया, स्पष्टता आ रही है, और जब तक नहीं जोड़ा जा रहा है तो अस्पष्ट है यानी अपूर्ण है। जैसे देखिए, मैं अगले वर्ष बन जाऊंगा, तो मैं अगले वर्ष क्या बन जाऊंगा, मैं अगले वर्ष अध्यापक बन जाऊंगा, वैसे मैं अगले वर्ष एक आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा। फिर है, जवाहरलाल नेहरू भारत के थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के क्या थे भैया, चोर थे, बदमाश थे, गुंडा थे, मवाली थे, क्या थे? तो ये क्या है, अपूर्ण है। ये क्या है, अपूर्ण। अगर इसी में जोड़ दिया जाए कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ से चीज़ें क्या हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी। तो यही है आपका अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया के भेद बता दें, अपूर्ण क्रिया के दो भेद होते हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक। फिर से बात वही आई, अकर्मक बिना कर्म के, सकर्मक कर्म के रहित। अपूर्ण भी है और कर्म भी ना दिया हो, फल उसका ना पड़े, और अपूर्ण भी है और सकर्मक है यानी उसका फल भी पड़ता हो तो कहेंगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, कभी कभी कुछ अकर्मक क्रिया केवल कर्ता से स्पष्ट नहीं होती, उन्हें पूरा करने के लिए उनके साथ संज्ञा और विशेषण पूरक की जगह पर लगाने पड़ते हैं, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह बीमार रहा। अपूर्ण सकर्मक क्या होगा, कभी कभी कुछ सकर्मक क्रियाओं का अर्थ कर्ता और कर्म के होते हुए भी स्पष्ट नहीं होता, इसमें भी संज्ञा और विशेषण पूरक की जगह पर लगाने पड़ते हैं, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आपने उसे महान बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अकर्मक सकर्मक तो आपने समझ ही लिया होगा, ये ज़्यादातर एग्जाम में वही आते हैं, रेयर केस में आपसे कुछ बचे ना, इसलिए जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ते और पढ़ाते हैं तो इस कदर पढ़ने और पढ़ाना होता है कि कुछ भी चीज़ उसमें से बचे ही ना, एक पॉइंट आपसे सिंगल ना बचे कि आपके एग्ज़ाम में आए और आपको ये लगे कि हाँ सर ने पढ़ाया नहीं है। तो संरचना के प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, विधि क्रिया। ये सब किसके आधार पर होती हैं, ये सब संरचना के प्रयोग के आधार पर होता है। किसके आधार पर, संरचना के प्रयोग के आधार पर। तो आइए, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, इसको भी देख लेते हैं। तो नंबर एक जानते हैं, सामान्य क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया के रूप से कल विशेष का पता न हो, कल विशेष का मतलब काल विशेष का पता न हो, उसके पीछे न लगा हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अर्थात जब वाक्य में एक क्रिया का पता चले उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, जैसे रोना धोना, खाना पीना, नाचना कूदो, पढ़ा नहाना चलना आदि, जहाँ पे एक क्रिया का पता चल रहा है वही क्या हो जाएगा, सामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया वह क्या होती है, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात जो क्रियाएं दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, दो दो क्रियाएं, तुम घर चले जाओ, मीराबाई स्कूल चली गई, वह खा चुका, मीरा महाभारत पढ़ने लगी, प्रियंका ने दूध पी लिया, मोहन नाचने लगा, राम विद्यालय से लौट आया, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया। अब इसमें जो होता है ये होता है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, यानी जो प्रारंभ में ही बोध कराए, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया जो अंत में दिखाए, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया जो छुट्टी रहने पर भी उसका जो है बोध कराए, यानी कोई चीज़ कोई व्यक्ति वहाँ पे अनुपस्थित हो उसके बाद भी उसका बोध कराए तो अवकाश बोधक हो जाएगा, अनुमति बोधक यानी किसी की अनुमति के बाद उसका बोध कराए तो अनुमति बोधक, नित्यात बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएं। तो ये सब यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए जान लेते हैं। पहले जानते हैं आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया।
जिन संयुक्त क्रिया से हमें पता चले कि क्रिया आरंभ होने वाली है उसे आरंभबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह नाचने लगी, बरसात होने लगी, राम खेलने लगा। बड़ा आसान होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि टफ होता है। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रियाओं से मुख्य क्रिया के समापन का पता चले उसे समाप्ति बोधक, जैसे वह सो चुका है, राम खा चुका है, वह लड़ चुका है। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध कराया जाए उसे अवकाश, जैसे वह बहुत मुश्किल से सोने पाया है, जाने न पाया। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रिया को करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो, जैसे मुझे सोने दो, मुझे कहने दो, मुझे पीने दो, तो ये सब। नित्यात बोधक संयुक्त क्रिया, तो जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रिया की नित्यता का या खत्म होने का बोध चले उसे नित्यात बोधक कहते हैं, जैसे नदी बह रही है, पेड़ बहता बढ़ता गया। आवश्यकता बोधक, जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी की आवश्यकता का या कर्तव्य का पता चले, जैसे मुझे यह काम करना पड़ता है, तुम्हें यह काम करना चाहिए। निश्चय बोधक, जिन संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चयता का पता चले निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे वह बीच में ही बोल उठा, मैं मार बैठूंगा। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया के करने की इच्छा का पता चले इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे वह घर आना चाहता है, मैं खाना चाहता हूँ, ये सभी। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया को करने के अभ्यास का पता चले उसे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब सामान्य भूतकाल की क्रियाओं में करना क्रिया लगा दी जाती है तब अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया बनती है, जैसे वह पढ़ रहा, वह पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया को करने के लिए शक्ति का पता चले, जैसे मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, यानी मैं आ सकता हूँ, ये। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, जब दो समान ध्वनि वाली क्रियाओं के जुड़ने का पता चलता है उसे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया का, जैसे वह खेला कूदा करता है। तो ये था, ये वैसे ऐसे क्वेश्चंस यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम में, या आप टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड की तैयारी कर रहे हैं, या आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ में पूछे जाते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में ना पूछा जाए, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं, 5 मिनट और बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है, और उसको पढ़ लें, हमारे भविष्य में हमें काम आएगा। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आता है केवल यही पूछता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अकर्मक है और कौन सी सकर्मक है। ज़्यादातर क्वेश्चन अकर्मक और सकर्मक पे ही आता है। अब थर्ड नंबर में जान लेते हैं नाम धातु क्रिया क्या होती है। नाम धातु क्रिया, तो क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये धातुओं के नाम से बनी होती है इसलिए नाम धातु कहला, जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, दुखना से दुखाना, चिकना से चिकनाना, लाठी से लठियाना, लत से लतियाना, पानी से पनियाना, बिलक से बिलगना, बिलगाना, स्वीकार से स्वीकारना, धिक्कार से धिक्कारना, उद्धार से उद्धारना, शर्म से शर्माना, अपना से अपनाना, लज्जा से लजाना, झूठ से झुठलाना, टक्कर से टकराना, लालच से ललचाना, सठिया से सठियाना, गरम से गरमाना, अपना से अपनाना, दोहरा से दोहराना आदि। लुटेरों में जमीन हथियाली, उसने उन्हें लतिया दिया। तो ये सब हैं अक्सर जो है नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कहते हैं ना, वो मेरे साथ, वो जैसे मान लीजिए कोई बदमाश मिल गया, कहते हैं ना, कहते हैं कि जैसे संगत हो वैसे ही हमें वहाँ पे अपने प्रभाव को दिखाना। जैसे चोर मिल गया तो चोर के साथ वही बात करिए, स्टूडेंट कोई पढ़ने लिखने वाला बात किया तो उसके साथ वैसे ही बात करिए, कोई फौरेब करने वाला मिल गया, लच्चा लुफंगा मिल गया तो उसके साथ उसी तरीके से बात करिए। तो यही क्या होता है, नाम धातु होती है। संज्ञा शब्दों से बनाए कुछ नाम धातु के उदाहरण हैं, जैसे संज्ञा से कैसे बनता है उस पर देखिए। शर्म शर्माना, लोभ लुभाना, बात बतियाना, झूठ छुटलाना, लात लतियाना, दुख दुखियाना। सर्वनाम से कैसे बनेगा, अपना अपनापन, पराया परायापन। विशेषण से साठ सठियाना, साठ सठियाना मतलब समझ रहे ना, जब कहते हैं ना कि जब बुढ़े 60 साल के हो जाते हैं तो सठिया जाते हैं, सठियाने का मतलब कि वो अनाप शनाप बकने लगते हैं, या सही को गलत, गलत को सही करने लगते हैं,
या ज़्यादा दिमाग चलाने लगते हैं, या रहेंगे रहेंगे रोने लगेंगे, कोई भी बात करेंगे रोने लगेंगे, मखा जाएंगे, तो उन्हीं को बोलते हैं साठियाना। तोतला तुतलाना, नरम नरमाना, गरम गरमाना, लज्जा लजाना, लालच ललचाना, फिल्म फिल्माना। अनुकरणीय शब्दों से बने नाम धातु कैसे होते हैं? थप थप से थपथपाना, थर 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 थराना, कप 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 कपाना, टन 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 टनाना, बड़ 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 बनाना, खट 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 खटाना आदि। अब देखेंगे नम धातु के बाद प्रेरणार्थक क्रिया कैसे होती है, कौन कौन से होते हैं। तो जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता खुद कार्य न करके किसी और से कार्य करवा रहा है और किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कटवाना, करवाना, बोलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, खिलवाना, सुनवाना, पिलवाना, पिलवाता, पिलवाती, ये सब। जैसे मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाता है, मैंने राधा से पत्र लिखवाया, उसने हमें खाना खिलवाया। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहले उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे ये प्रेरणार्थक क्रिया है, मान लीजिए आपको दे दिया निम्नलिखित में से, आपको उदाहरण दे दिया, जब मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, ये तो संरचना के आधार पर है, लेकिन अगर इसी में दे दिया जाए कि बताइए इसमें अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया, तो आपको पता है। अगर दे देता कि मालिक साफ करवाता है, तब तो इसमें अकर्मक हो जाता, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, इसलिए क्या हो जाएगी? सकर्मक। तो आपको दो चीज़ में तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। बाकी ये तो संरचना के आधार पर है, रेयर केस में अगर पूछा भी जाए तो हम उसके लिए बिल्ट रहें, मजबूत रहें कि हम सही कर सकें। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं, प्रेरककर्ता प्रेरितकर्ता। प्रेरक और प्रेरित का अंतर समझ लीजिए। प्रेरक का मीन्स होता है जो किसी और को प्रेरणा प्रदान करता हो, जैसे मालिक, अध्यापिका, ये सब क्या करते हैं? प्रेरणा दूसरे को प्रदान करते हैं, प्रेरक बनते हैं किसी के लिए प्रेरक। जैसे कहते हैं ना, हमें अपने मालिक की तरह या हमें अपने मालिक के लिए वफादार होना चाहिए, हमें अपने अध्यापिका का सम्मान करना चाहिए, तो ये प्रेरक हो गया। प्रेरित करता जो किसी और से प्रेरणा लेता है, उसे प्रेरित करता का, जैसे नौकर, छात्र आदि, ये सब क्या करते हैं? दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। छात्र क्या कहता है? हमें स्वामी विवेकानंद की तरह बनना चाहिए। नौकर क्या कहता है? हमें कुत्तों की तरह वफादारी करना चाहिए, कुत्ते बड़े ही वफादार होते हैं, आपने सुना भी होगा। तो प्रेरणार्थक क्रिया का जो रूप होता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जिसे कहते हैं, बता दें तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये सभी क्रियाएं सकर्मक होती हैं। किसमें होती हैं? सकर्मक। जैसे माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये भी सारे सकर्मक ही होते हैं। जैसे माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, जोकर सर्कस में हाथी से कर्तव्य करवाता है। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। मूल दो अक्षर वाली धातुओं में जब आना या वाना जोड़ दिया जाता है, जैसे पढ़ पढ़ाना पढ़वाना, चल चलाना चलवाना। जैसे आपने पढ़ा होगा, आपको मैं याद दिला दूं, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा गुड, बेस्ट, बेटर, आपने पढ़ा है, आप याद करिए। उसी तरीके से तो दो अक्षर वाली धातुओं में जब ऐ या ओ जोड़ दिया जाता है तो दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर बना दिया, जैसे जीत जिताना जितवाना, लेट लिटाना लिटवाना। तीन अक्षर में समझ समझाना समझवाना, बदल बदलाना बदलवाना। कुछ धातुओं में आवश्यकता अनुसार प्रत्यय लगा, जैसे जी जिलाना जिलवाना। तो प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण इस प्रकार हैं। मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक के उदाहरण जैसे हैं, उठना उठाना उठवाना, उड़ना उड़ाना उड़वाना, चलना चलाना चलवाना, देना दिलाना दिलवाना, जीना जिलाना जिलवाना, लिखना लिखाना लिखवाना, जगना जगाना जगवाना, सोना सुलाना सुलवाना, पीना पिलाना पिलवाना, देना दिलाना दिलवाना, धोना धुलाना धुलवाना, रोना रुलाना रुलवाना, घूमना घुमाना घुमवाना, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना,
देखना दिखाना दिखवाना, खाना खिलाना खिलवाना। तो ये था। अब बात करेंगे पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए बहुत ही टफ है, अगर हम कहें कि हिंदी का बहुत ही व्याकरण में अगर हम देखा जाए तो हमको लगता है कि केवल दो ही चीज़ें टफ हैं, एक तो क्रिया और दूसरी जो है विशेषण और विशेष। इन दो को केवल समझ लिया आपने तो बाकी और तो बहुत आसान है। संज्ञा, सर्वनाम, संधि, अलंकार, रस, छंद, ये सब बहुत ही आसान होते हैं। केवल टफ यही दो होते हैं। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि आपकी क्लास लेवल में ना तो टीचर आपको अच्छे से पढ़ाता है और ना कोई बच्चा पढ़ना चाहता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये भी होता है, टीचर्स की भी मजबूरी होती है, क्योंकि जब ये चैप्टर कोई भी पढ़ाना स्टार्ट करता है तो बच्चे बड़े बोर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चंस तो एक या दो आते ही आते हैं, 100% आते हैं। तो वो ट्रिक बता देता है कि बेटा लो सीख लो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया सीख लो, बस इसी से क्वेश्चन फंस जाएगा, बाकी और आगे बताने की कोशिश उसे भी नहीं होती और आपको भी ज़रूरत नहीं होती। तो आपके लिए भी यही है, जो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ना चाहते हैं पढ़ लेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा, उनको इसका बहुत बड़ा महत्व मिलेगा, काम आएगा। अगर क्वेश्चन हट के आ गया, आए दिन देख रहे हैं सिलेबस चेंज हो रहा है, तो अगर हम किसी चीज़ को अच्छे से पढ़े रहेंगे सीखे रहेंगे तो ये हमारे ही काम आएगी। बाकी तो आपका काम तो केवल इसी से हो सकता था, इस चैप्टर में आपका काम केवल इतने से हो सकता था, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को समझ लेने से। सकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया दी हो, अकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया ना दी हो। वह जाता है अकर्मक क्रिया है, वह विद्यालय जाता है सकर्मक क्रिया। बस दोनों में यही इतना केवल जान लीजिए, क्वेश्चन आपका बन जाता है। लेकिन अगर इतनी तरीके से इस तरीके से पढ़े रहेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप कभी भी आपको ये चैप्टर्स भूलेगा नहीं और अच्छे से आपको आएगा, चाहे आप PCS के एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे। मेरा टारगेट केवल हिंदी पढ़ाते समय एक ही सब्जेक्ट, एक ही पॉइंट, एक ही एग्ज़ाम नहीं होता कि आप UP पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या आप SI का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप वीडियो का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इसी लेवल का पढ़ाए। नहीं, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपका हर जगह पे ये यूज होगा, नहीं तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप एक बार किसी भी कंपटीशन के लिए आप पढ़ लेते हो तो आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा भी आपको बता दें मित्रों, हमारा जो पेड बैच का वीडियो होता है, पेड बैच के वीडियो होते हैं, हम वाइट बोर्ड पर यही चीज़ें वाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं सामने खड़े होकर, तो आप पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। पूर्वकालिक नाम से ही लग रहा है ना कि नाम से, देखिए नाम में ही, हिंदी के तो नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। पूर्वकालिक, पूर्व मतलब पहले, यानी पहले से हुआ हो, पहले से हुआ। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया को धातु में कर या करके लगाकर बनाया जाता है। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, यानी पहले क्या किया, पुजारी नहा लिया। यानी जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना कि ट्रेन आने से पहले कैसे है, पैसेंजर आने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, यानी गाड़ी आने से पहले चोर भाग चुका था। कई सारे हम बना सकते हैं ना, या फिर हम ऐसे कर दें कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। तो इसमें बिफोर यानी पहले जो चीज़ें, पहले जो घटनाएं हो जा रही उसी को पूर्वकालिक क्रिया का नाम दे दिया जाता है। जैसे चोर सामान चुरा कर भाग गया, विद्यार्थी ने पुस्तक देखकर उत्तर दिया, वह खाकर सो गया, लड़कियां पुस्तक पढ़कर जाएंगी, राखी ने अपने घर पहुंचकर फ़ोन किया, खिलाड़ी खेल पर कर बैठ गए, अनुज खाना खाकर स्कूल गया, वे सुनकर चले गए, मैं दौड़कर आऊँगा। तो ये था पूर्वकालिक क्रिया। अब जानते हैं तात्कालिक क्रिया। नाम में ही समझिए, तात्कालिक यानी तुरंत हो जिसका प्रभाव, तत्काल यानी यह क्रिया ही पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म हो जाती है। इनमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर न होकर क्रम का अंतर होता है। जैसे वह आते ही सो गया, यानी अभी भी सोया, आया तुरंत सो गया, शेर देखते ही वह बेहोश हो गया, तो ये तात्कालिक क्रिया है। कृदंत क्रिया, ये क्रिया पूछी जाती है भैया, कृदंत क्रिया कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो
कृत प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। अर्थात जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका एक नया क्रिया रूप बनाया जाता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय में भी आपको पढ़ाया जाएगा, कृदंत प्रत्यय वहाँ पे पढ़ेंगे आप, तो ये यहाँ से ही आप सीख लीजिए। तो चलता, भागता, दौड़ता, हंसता आदि ये सब क्या हो जाएंगे, यानी ता जुड़ जा रहा है, यानी कृदंत, यानी ता प्रत्यय जुड़ रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, कृदंत क्रिया। यौगिक क्रिया, जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। इसमें पहली क्रिया पूर्णकालिक होती है, जैसे वह सामान रख कर गया, परीक्षा सिर पर आ गई। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब जैसा इंग्लिश में आप पढ़ते हैं, तो जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने और अर्थ को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। कभी एक तो कभी एक से ज़्यादा क्रिया सहायक क्रिया के रूप में आती हैं, लेकिन इनमें हेर फेर करने से क्रिया का काल परिवर्तित हो जाता है। जैसे वह आता है, तुम सोए हुए हो, तुम सोए हुए हो, सोए हुए हो, आता है, तो ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आ रहे हैं। सजातीय क्रिया क्या होती है, सजाती नाम से ही लग रहा है, जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे अच्छा खेल खेल रहे हो, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है, तो ये सजातीय क्रिया है। विधि क्रिया, आज की अंतिम क्रिया विधि क्रिया, जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे विधि क्रिया कहते हैं। जैसे घर जाओ, ठहर जाओ, उठ जाओ, सो लो, तो ये सभी क्या हैं, विधि क्रिया है। फिर से आपको चैप्टर का एनालाइज बता देते हैं, आपको ये केवल पढ़ना था क्रिया किसे कहते हैं। आपने देखा क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी जिसमें कोई कर्म ही ना दिया हो, जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, वह भागता है, ये सब अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया भी, क्रिया के साथ कर्म भी दिया हो, वह स्कूल जाता है, वह पढ़ने जाता है, वह सोने जाता है, वह खाना खाता है, वह सेब खाता है, वह विद्यालय प्रतिदिन जाता है, तो ये सब क्या है, सकर्मक क्रिया है। यही दोनों एनालाइज था। हम आशा करते हैं कि आपको चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया होगा और आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी बेनिफिट होगा, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल पे अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन